मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जैसे ही यदि आंसर की आपकी आती है एमपी हाई कोर्ट ग्रेड थ्री भर्ती जो हुई है अभी हाल ही में, जिसके प्री एग्ज़ाम्स हुए हैं और मेंस एग्ज़ाम्स होना बाकी है, तो सारी अपडेट्स जो आएगी वो कहीं ना कहीं आपको एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मिलेगी। और कहाँ मिलेगी तो आप देख सकते हैं, इसी पेज पर मिलेगी। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो एप्लीकेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके सामने ये ऑप्शन आता है, स्टेनोग्राफर ग्रेड टू, स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री और स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री, कोर्ट मैनेजर स्टाफ और साथ ही साथ असिस्टेंट ग्रेड थ्री के साथ में इंग्लिश नोइंग वाला असिस्टेंट ग्रेड थ्री हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है 1, 2, 3, 4, 5 कहीं ना कहीं जो है 4 प्रकार की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम्स हुआ है, तो एग्ज़ाम्स में जिस तरह से कैंडिडेट्स की संख्या थी तो एक शिफ्ट में होना संभव नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं 3 शिफ्टों में जो है एग्ज़ाम्स हुआ है। और एग्ज़ाम्स में जैसा कि आपका यदि फर्स्ट शिफ्ट में रहा हो या सेकंड शिफ्ट में रहा हो या थर्ड शिफ्ट में रहा हो, कोई भी शिफ्ट में आपका रहा होगा, तो आपने कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम का लेवल देखा होगा तो आपको बिल्कुल बहुत ही ईजी टू मॉडरेट लेवल मिला होगा। हार्ड लेवल तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम्स हुए थे हाई कोर्ट के, जो असिस्टेंट ग्रेड थ्री के लिए और अन्य एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं जिसमें इस तरह के जो है सिलेबस से पूछा जाता है, तो उसमें बिल्कुल इजी लेवल का और नॉर्मल ऊपर ऊपर का जो रहता है सिलेबस में मुख्य चीज़ें, कहीं ना कहीं वही चीज़ें जो है आपको दी गई थी। जैसा कि आपने देखा जीके में आपका बिल्कुल ऊपर की चीज़ें जो आप डेली यूज करते हो और सुनते हो न्यूज़ में, वही कहीं ना कहीं आपकी आई थी। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हाईलाइट स्टैटिक जीके थी वही आपकी पूछी गई थी। और इसी तरह से जो है कहीं ना कहीं आपकी मैथ्स और रीजनिंग भी बहुत ही इजी लेवल की पूछी गई थी। और साथ ही साथ में बात करते हैं अब कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि यदि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको इंग्लिश में ही वहाँ पर देखने को मिले थे। इसी तरह से जो है आपको हिंदी के भी बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। और कहीं ना कहीं सभी लोगों को एक डाउट है कि इंग्लिश ही इस बार कहीं ना कहीं हार्ड आपको देखने को मिली है, थोड़ी मॉडरेट देखने को मिली है, क्योंकि इसे हार्ड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और वन वर्ड जो है इसकी संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा रखी गई थी। और जो है अन्य चीज़ें जो है बहुत ही कम, 2 या 3 क्वेश्चन ही देखने को आपको मिले होंगे। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि इस बार जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा आए हुए थे। तो जिन लोगों को एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की अच्छी प्रैक्टिस थी और अच्छा उनसे बनता है, तो उन्होंने किया और उसमें अच्छे नंबर भी स्कोर किए होंगे। और जिन लोगों को एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वहाँ पर तुक्का लगाया होगा। और जो है कहीं ना कहीं इस तरह से जो है ओवरऑल हम कहें तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश ही आपका स्कोर कहीं ना कहीं कम करेगा या ज़्यादा करेगा, और उसके अनुसार जो है आपकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट तो सभी ने किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा राइट किया होगा, लेकिन जो इंग्लिश है, इंग्लिश ही बहुत ही कम लोगों ने किया होगा। जिनको एंटोनिम्स सिनोनिम्स अच्छे से बनता है उन्होंने जो है अपना निकाला होगा। तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं यदि आपके ज़्यादा स्कोर होते हैं, अन्य सब्जेक्ट के भी आपके अच्छे स्कोर है, तो कहीं ना कहीं जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एमपी हाई कोर्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स है रेगुलर हो रहे हैं इधर, तो आप देख सकते हैं कि एक महीने के अंदर ही कहीं ना कहीं यहाँ पर कट ऑफ और जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट जो है कहीं ना कहीं जारी कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं 1 या 2 महीने में कहीं ना कहीं इस बार भी जो है चांस है कि जो है फाइनल कट ऑफ लिस्ट आपकी जारी हो जाए। और कहीं ना कहीं जो है आपके जो क्वेश्चन और आंसर्स है आपको देखना है और यह पता करना है कि आपके कितने लगभग आ सकते हैं, तो उसके लिए आंसर की जारी की जाएगी। तो आंसर की आप जो इसी वेबसाइट पर देख सकते हैं और पता कर सकते हैं आपका क्या स्कोर रहने वाला है। जैसे हम तुलनीय बात करें तो प्रीवियस ईयर में जो है 2017 में, जैसा कि आपने देखा होगा यूट्यूब में और वेबसाइटों में जो लिस्ट डली हुई है, उस लिस्ट के अनुसार जो है कहीं ना कहीं आपको हाईएस्ट 70 कट ऑफ देखने को मिला था। और जो है इस बार आप जो है कट ऑफ
देखें तो उस बार से इस बार जो है कहीं ना कहीं 5 साल में काफ़ी अंतर हो जाता है, काफ़ी लोग बढ़ जाते हैं और उस तरह का लेवल बढ़ जाता है जीके और अन्य जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के, तो कट ऑफ भी जो है आपकी थोड़ी 5 या 10 नंबर की बढ़ सकती है। तो बस इतना ही आप आसपास लगा सकते हैं अंदाज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ और जो है अन्य चीज़ें क्या रह सकती है। चलिएगा फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।